आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वन शॉट स्टोरी, उसका नाम है ओ मेरे मजनू। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये यूंगी कहाँ रह गया, कब से उसका वेट कर रही हूँ। हेलो बेबी मोची, कैसी हो? क्या मैं लेट हो गया हूँ? हाँ बहुत ही ज्यादा लेट, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी ना। ओहो सॉरी, मुझे माफ कर दो बेबी मोची। वो क्या था कि मैं एक काम में फंस गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। सॉरी, माफ कर देना, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो। ओके ठीक है, माफ कर दिया। ओके मोची बेबी, तो ठीक है मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलता हूँ। वाओ ओके ठीक है चलते हैं। ओके मोची बेबी, तो अब मैं घर चलता हूँ। ओके अपना ध्यान रखना। ओके यूंगी, चलो मैं भी चलती हूँ, बाय। मोची बेबी एक मिनट रुक जाओ ना। क्या हुआ यूंगी? ये क्या किया? कुछ नहीं, बाय बाय अब मैं चलता हूँ। ये यूंगी भी ना कितना प्यार करता है मुझसे। शिट, मैंने तो मेरी दोस्त को बुलाया था, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओहो मुझे जल्दी जाना चाहिए। ओहो कहाँ चली गई ये लड़की, मुझे यहाँ पे बुला के कहाँ गायब हो गई है ये, कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। वी हाय, मैं आ गई। वाह भाई इतनी जल्दी आ गई, दो चार घंटे और लेट आ जाती तो कितना अच्छा हो जाता ना। सॉरी, वो मैं यूंगी के साथ थी। ओ तभी तो मैडम को इतना लेट हुआ, तभी तो मैं सोचूं ये जिमिना को इतना लेट क्यों हो रहा है। चल रहा होगा तुम दोनों का, बेबी मोची यूंगी। ओ सॉरी वी, मुझे माफ कर दो। ओके ओके ठीक है माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? ओके ठीक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है तुम लोग प्यार कैसे कर लेते हो, ये सारी बातें तो मेरे दिमाग के बाहर है। अरे मेरी भोली भी, जब तुम्हें प्यार होगा तब तुम खुद समझ जाओगी कि प्यार क्या होता है, समझी? नहीं यार जिमिन, मुझे नहीं पढ़ना इस प्यार व्यार के चक्कर में, ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। रोज रोज डेट पे जाना पड़ता है और फोन पे लंबी लंबी बातें करनी पड़ती है। नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में, ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। वी, तुम ये सारी बातें अभी नहीं समझोगी, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब वो बातें तुम समझ जाओगी, समझी? नो, मुझे तो नहीं होने वाला है प्यार। अरे बाबा हो जाएगा तुम देखना। नहीं होगा। अरे होगा, सबको होता है, बट मैं वी हूँ वी, मुझे नहीं होगा। अरे कोई मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प मी। अरे ये किसकी आवाज है? शायद किसी को हमारे हेल्प की जरूरत होगी, चलो देखते हैं। ओके चलो। अरे कोई मेरी हेल्प करो, क्या हुआ आपको, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? हाँ है, तो बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ये क्या कर रही हो आप? अरे आप मेरी मदद करने आई थी ना। हाँ हाँ, तो तुम मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो। जिमिना तुम ये क्या देख रही हो, इसे कहो मेरा हाथ छोड़ दे। हे मिस्टर, तुम मेरी दोस्त का हाथ छोड़ क्यों नहीं रही हो, छोड़ दो। ओके सिस्टर, आपके कहने पे मैं हाथ छोड़ देता हूँ। बड़े बदतमीज हो तुम, ऐसे लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? देखो मैं किसी लड़की को छेड़ता नहीं हूँ, बट तुम मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद हो, और मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल वागल हो गई हो क्या?
मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, और तुम सीधा मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे इस बात की चिंता तुम क्यों करती हो? शादी के बाद तो हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। चलो जिमिना। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तक हमारी बातें पूरी नहीं हुई है। मुझे तुम्हारे जैसे सड़क छाप आशिक से बातें करने की कोई शौक नहीं है, समझे तुम? और यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा मत करो, समझे? क्या क्या कहा तुमने? सड़क छाप आशिक? मैं तुम्हें सड़क छाप आशिक दिखता हूँ? मैं जॉन जोंगकुक तुम्हें सड़क छाप आशिक लगता हूँ? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ दो, समझे? वरना मार मार के यहीं पे तुम्हारा भरता बना दूंगी। हाय, सच में तुम मेरा भरता बनाने वाली हो? मैं भरता बनने के लिए तैयार हूँ। जब तुम मेरा भरता बना दोगी तो उसे रोटी के साथ खा जाना, ओके? ओ शट अप, अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो, समझे? चलो जिमिना, यहाँ से चलो जल्दी, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये सड़क छाप आशिक। कहीं पे ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं? बस उसके पीछे लग जाओ। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा लड़का मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है तुम कैसे लड़के हो। वी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, चलो जल्दी। ओके ठीक है जिमिना, मुझे भी यहाँ पे खड़े रह के इसके साथ बातें करने का शौक नहीं है। ओ तो तुम्हारा नाम वी है, तुम्हें कैसे पता? अभी अभी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया, वी। ओ जिमिना, ओ सॉरी वी। ओके ठीक है जिमिना, चलो यहाँ से। वी, जल्दी ही तुमसे मिलना होगा। मजनू की औलाद खुद को समझता क्या है? मुझसे वी से पंगा लेता है, उसकी तो मैं चटनी बना देती। हाँ जैसे तुम्हारी भाभी बनाती है नारियल की चटनी। ओफो जिमिना, अब तुम मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। ओके बाबा ठीक है, चलो अब तुम्हारा घर आ गया, अब जाओ तुम। ओके ठीक है, बाय। ओके बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। भैया भाभी, कहाँ हो आप? मैं आज बहुत 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 ज्यादा गुस्सा हूँ। क्या हुआ वी, तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों लग रही हो? क्या कुछ हुआ है, बताओ मुझे। अयो क्या हुआ वी तुमको, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? भैया भाभी, आपको पता है एक सड़क छाप मजनू मेरे पीछे पड़ गया है और वो कहता है मुझसे शादी करेगा, मुझसे प्यार करता है। क्या क्या वो तुमको छेड़ा? मैं उसकी चटनी बना दूंगी ना, वो भी नारियल की, कसकस करके। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वी को छेड़ने की? हाँ भाभी, उसने मुझे छेड़ा। अगर वो नेक्स्ट टाइम मुझे मिला ना, मैं आपको बता दूंगी। हाँ वी, तुम ऐसा ही करना, मुझे बता देना, मैं उसकी चटनी बना दूंगी। ओफो जिनो डार्लिंग, अब बस करो, कितना परेशान होती हो। मैं देख लूंगा उसे कौन है वो। तुम तो सिर्फ अपने इन नाजुक नाजुक हाथों से मेरे लिए नारियल की चटनी बना के देना, समझी? भैया भाभी, आप दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो। देखा तुम्हारे चेहरे पे कैसे हंसी आ गई? हाँ भाभी, ये सब आपके लाड़ प्यार के वजह से है। आप लोग मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हो। कैसे नहीं करेंगे, तुम मेरी एकलौती बहन जो हो। और नहीं तो क्या, मेरी तो तुम बच्ची जैसी हो। ओ भैया भाभी, आई लव यू। और हम दोनों की तरफ से भी आई लव यू। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी भैया बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? वी, अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार भी हो गई हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। क्या भैया, क्या आप ये क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको और भाभी को छोड़ के चली जाऊँ? नहीं वी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बट तुम अब बड़ी हो चुकी हो और हर लड़की को बड़े होने के बाद शादी करनी पड़ती है। भाभी आप समझाइए ना भैया को, मुझे शादी नहीं करनी है। वी देखो ना, अब तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, तुम बड़ी हो गई हो
और तुमको पता ही नहीं, तुम्हारी शादी करने का मेरा और तुम्हारे भाई का बहुत बड़ा सपना है। प्लीज शादी के लिए मान जाओ ना। तुम हमारा सपना पूरा नहीं करोगे क्या? प्लीज मान जाओ, हम तुमको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मान जाओ ना। प्लीज भी मान जाओ, तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती हो, प्लीज। ओके भैया भाभी, आप इतना रिक्वेस्ट मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, मैंने कभी भी आप दोनों की बात को मना नहीं किया है। ओके, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अयो, ये हुई ना बात। चलो भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। ओके बाय। अयो वी, तुम किधर जा रही हो? तुम्हें आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है, बट मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ये वी अब तक आई क्यों नहीं, हमें लेट हो रहा है। जिमिना जिमिना, मैं यहाँ हूँ, चलो। ओ वी, तुम आ गई। हाँ हाँ मैं आ गई, चलो कॉलेज अब। हाँ, और मैं भी आ गया। कैसी हो वी? तुम्हें पता भी है मैंने कल तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। ओफो, तुम फिर से मुझे परेशान करने आ गए। आखिरकार मुझे बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? बताओ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, जब से तुमको देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है वी। और मैं एक मिनट क्या, एक सेकंड तक भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और मैं तुम्हें एक मिनट क्या, एक सेकंड तक तुम्हें अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। चलो जिमिन, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मजनू कहीं का न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वी, जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेंगी तब तुम बहुत ही ज्यादा शौक होने वाली हो। भाभी मैं आ गई। अयो वी, तुम आ गई। चलो अब जल्दी अपने कपड़े चेंज करो और रेडी हो जाओ जल्दी से, लड़के वाले आते ही होंगे। ओके भाभी। अयो, शायद लड़के वाले आ गए हैं। आरम जी, जाओ जाओ जल्दी दरवाजा खोलो। ओके जी, अभी खोलती ना मैं। हेलो, मैं हूँ जॉन जे होप, आपसे मिलके खुशी हुई। ओहो, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए। जी तो मिस्टर नामजुन जी, हम आपकी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं। जी जे होप जी, मुझे पता है, ये है मेरी वाइफ जिन, इसे तो आप मिल ही चुके होंगे, और मेरी बहन भी आती ही होंगी। जी, ये है मेरी वाइफ वायन। हेलो नामजुन जी। हेलो जिन। हेलो वायन। और ये देखिए मेरा छोटा भाई जंगकुक, इसकी ही शादी की बात करने हम आए हैं आपके घर पे। हेलो भैया। हेलो भाभी, आपसे मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जंगकुक, हमें भी तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अयो, तो तुम हमारी वी के साथ शादी करने वाले हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। जी भाभी, थैंक यू। मैं अभी वी को लेके आती हूँ ना। वी, क्या तुम्हारा तैयारी हो गया है? चलो, मेहमान तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं ना। जी भाभी, हो गया, चलिए। ये देखिए हमारी वी आ गई है। हाय वी, कैसी हो? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? निकलो बाहर, तुम मेरे घर तक आ गए। अयो वी, तुम ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारा मंगेतर है। नहीं नहीं भाभी, ये वही मजनू है जो मेरे पीछे पड़ा था। क्या वी, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ भाभी हाँ, लेकिन वी ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे भैया से भी सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। चलो अब।
नहीं भाभी, मैं नहीं आऊंगी। देखो वी, ऐसा मत करो, तुम्हारे भाई की सारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा मत करो। वो बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों के सामने तुम्हारे भाई की इज्जत क्या रहेगी अगर तुम ऐसा रिएक्ट करोगी? क्या? ओके ठीक है भाभी। माफ कीजिएगा, हमारे वी को कोई गलत फहमी हो गई थी। ये देखिए, ये है मेरी बहन वी। वी, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, आप भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जंकू, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? हाँ भैया, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये मुझे पसंद है। वी, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? बताओ मुझे। अब मैं क्या बताऊँ? वी, हाँ बोलो। हाँ हाँ, तुम मुझे पसंद हो। ओके मिस्टर नामजुन, तो आपको बधाई हो, हम लोग इनकी शादी पक्की कर देते हैं। जी जी हब जी, आपको भी बधाई हो। मिस्टर जंगकुक और मिस वी, आज से आप दोनों पति पत्नी है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओहो वी, तुम्हारी शादी तो हो गई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जिमिना, कांग्रेचुलेशन वी। युंगी जीजू, थैंक यू। वी, तो तुम्हारे सुरक्षा पाशिक मिस्टर जॉन जंगकुक थे और उन्होंने कहा था कि तुमसे शादी करना चाहते हैं, और सच में उन्होंने तुमसे शादी कर ली। देखा, तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। जी सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वी का सच्चा प्यार हूँ। क्यों वी? चलो जंगकुक, अब हमें घर जाना चाहिए। जी भैया। चलो वी, हमारे घर चलो। वी, अपना ख्याल रखना, ओके? हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएंगी। वी, मेरी बहन, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएंगी। भैया, भाभी, मुझे भी आपकी बहुत ही ज्यादा याद आएंगी। वी, ये सब कितनी जल्दी हो गया ना, मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वी, क्या हुआ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बताओ वी। मैं देख रहा हूँ, जब से हमारा रिश्ता पक्का हुआ है तब से लेकर अब तक तुमने मुझसे एक बात तक नहीं बोली है। बताओ वी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? वी, क्या तुम मेरी उस बदतमीजी के लिए नाराज हो? वी, मुझे माफ कर देना, मैं तो उस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, बट ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। क्या मैंने कहा है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? वी, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो खुद मुझे भी नहीं पता चला जंगकुक कि मैं तुम्हें कब प्यार करने लग गई। जब हम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ तब मैं सोच रही थी कि मैं ये शादी तोड़ दूँ, बट लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये शादी नहीं तोड़नी चाहिए और मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, और तभी मुझे समझ में आया कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ जंगकुक। ओह वी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। सच में मैं तो यही सोच रहा था कि तुम मुझसे शायद कभी प्यार नहीं करोगी, लेकिन अब नहीं, मैं गलत था, तुम मुझे प्यार करती हो। आई लव यू वी, आई लव यू, आई लव यू टू जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिमिना सच बोल रही थी, सच्चा प्यार यही होता है। हाँ वी, जिमिन सिस्टर बिल्कुल सही बोल रही थी। जंगकुक। हाँ वी, बोलो। गिव मी अ किस। या, व्हाई नॉट।
मेरे मजनू। ओके आर्मी, हमारी वन शॉट स्टोरी यही पे खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करना। लव यू, बाय बाय सारंगे।